कंधों पर बोझ जितना कम होगा उड़ान उतनी ऊंची भर पाओगे। 94.3 माय एफएम से मैं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक संत की और उनके दो शिष्यों की। दो शिष्यों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। एक शिष्य बात कर रहा था कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें अधिकार है, या कहना चाहिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छी तरह से अर्न करें, कमाई करें और उसके बाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे साधन जुटाएं। एक ही तो जीवन मिला है, इसमें सुख सुविधा के साधन अगर ना लिए तो क्या किया धरती पर आके। वहीं जो दूसरा शिष्य था वो फकीरी के आनंद की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो आनंद फकीरी में है वो किसी और चीज में नहीं है। दोनों में बहस छिड़ गई, बात संत जी तक पहुंच गई और दोनों ने अपने गुरु संत से कहा कि आप इस पर फैसला दीजिए कि मैं सही कह रहा हूं या ये सही कह रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि फैसला मैं यूं नहीं दूंगा, एक कार्य देता हूं करने के लिए, तुम दोनों को वो काम करना है, उसके अंत में तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो विलासिता की तरफदारी कर रहा था उसे खाली थैला दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था उसे खाने पीने की सामग्री से भरा हुआ एक थैला दिया गया। दोनों को समझ में नहीं आया क्या करना है। उनके गुरुजी ने कहा कि यहाँ से 50 कोस दूर तक चल के तुम दोनों को जाना है। ये तुम्हें जो मैं खाली झोला दे रहा हूँ, रास्ते में मिलने वाली कोई भी कीमती वस्तु या तुम्हें लगे कि काम की वस्तु है वो इस झोले में डालते जाना। और वहीं जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था उसे कहा गया कि तुम्हारे पास ये खाने पीने की सामग्री से भरा झोला है, रास्ते में जो भी जरूरतमंद दिखे उसे जो दे सको उसे देते जाना और अपनी मंजिल तक दोनों पहुंचो। दोनों ने यही किया। जो विलासिता का शौकीन था वो उसने चलना शुरू करा, उसे थोड़ा आगे चल के एक सोने की ईंट मिली, उसने फटाफट वो ईंट अपने थैले में डाल ली। थोड़ा और आगे चलता गया, एक और ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, ऐसे करते करते उसका थैला ईंटों से भर गया और साथ ही भारी भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ जिसे कहा था कि खाने पीने की सामग्री जरूरतमंदों में बांटते जाना, उसका थैला धीरे धीरे खाली होता गया। जैसे ही उसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिला जिसके देखकर उसे लगा कि इसे खाने की सामग्री की जरूरत है, वो उसे सामग्री दे देता और उसका थैला खाली होने लगा। जैसे जैसे इसका बोझ कम होने लगा, इसके लिए राह आसान होने लगी, चलना आसान होने लगा, वहीं दूसरी तरफ जो अपने झोले का बोझ बढ़ा रहा था उसके लिए चलना मुश्किल हो गया, सांस चढ़ने लगी और अंततः एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। और आलम यह था कि फाइनली वो उस बोझ के साथ आधे रास्ते में ही गिर गया और मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। एक छोटी सी सीख है हमारे, आपके और हम सबके लिए। सारा जीवन हम चीजों को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में बिता देते हैं, जबकि आप गौर कीजिएगा कि 60 की उम्र के बाद कोई ये नहीं पूछता कि बैंक बैलेंस कितना है। 60 की उम्र के बाद तो यही पूछा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके बच्चे क्या करते हैं। हमारी असल संपत्ति आपकी आने वाली पीढ़ी है, जिसे बेहतरीन बनाने पर हमें समय और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य है जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देने वाला है, लेकिन कई बार इन दोनों ही चीजों को छोड़कर हम एक ऐसी भागदौड़ में व्यस्त हो जाते हैं, सोने की ईंटें इकट्ठी करने लगते हैं और वही ईंटें हमें अंत में हमारा चलना तक मुश्किल कर देती हैं। तो गौर कीजिए कि आपको आपका ध्यान और समय कहाँ लगाना है, मंजिल तक बोझ के साथ या आराम से हल्के होकर जाना है। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।